अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं मुहर्रम में बनने वाले रोट जो हम रवे के बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये गुड़ ले लिया है, ये पाव किलो गुड़ है। इसको कट करके मैंने गरम पानी में डाल दिया है। अच्छे से गरम कर ले पानी को और इसको कवर करके रख दे ताकि गुड़ हमारा मेल्ट हो जाए। 10 मिनट लगेंगे इसको करने में। अब हम एक फ्राई पैन ले लेते हैं, इसमें 2 टीस्पून के करीब घी ऐड करेंगे और इसमें चॉप किए हुए बारीक से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। और ये डेसिकेटेड कोकोनट लिया है मैंने 1/2 कप के करीब, ये इसमें ऐड कर देंगे और इन सबको रोस्ट कर लेना है हल्का सा ताकि क्रिस्पी हो जाए। अब ये मैंने रवा ले लिया है, ये नॉर्मल रवा है जो हम यूज़ करते हैं। इस कप से मैंने 1 कप भर कर रवा लिया है और 1/2 कप इसमें मैदा डालेंगे, मैदे का आटा ऐड करेंगे 1/2 कप, 1/4 चम्मच नमक और 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर या फिर सोडा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। 2 टीस्पून भरकर मैंने इसमें खसखस डाली है और ये ड्राई फ्रूट और खोपरा जो हमने रोस्ट कर लिया था ये इसमें ऐड कर देंगे। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले हम मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से आपस में सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। अब ये घी ऐड कर देंगे, 1/2 कप घी लिया है, इसको हल्का सा गुनगुना मैंने गरम कर लिया था। अब इसमें ऐड कर देंगे और इसको हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाथों से मिक्स करोगे तभी घी अच्छी तरह से हर जगह पर मिक्स हो पाएगा। अब ये देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा करके गुड़ ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये पूरा गुड़ इसमें ऐड कर देना है हमें। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ज़रूरी है, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी, वो भी फ्री में। तो ये देखिए सारे गुड़ को मैंने डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये अभी आपको स्टिकी सा लग रहा होगा, बट हम आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। 1/2-1/4 घंटा इसको रेस्ट देना है कवर करके, ताकि डो की शक्ल में आ जाए, रवा फूल जाएगा जिसकी वजह से डो की शक्ल में आ जाएगा। तो ये देखिए रेस्ट दे दिए, बिल्कुल आटे की तरह हो चुका है, रवा हमारा अच्छी तरह से फूल चुका है। तो इसी तरह से आप इसको 1 से 2 घंटे भी रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि आप जितना इसको रेस्ट दोगे उतना ही टेस्टी रोट बनकर तैयार होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रोट बनाना। छोटे या बड़े जो साइज़ आपको चाहिए आप उस साइज़ में इसको बना सकते हैं। तो पहले रोल कर लेंगे हाथों पर इसको और शेप दे देना है रोट की, हल्का सा फ्लैट कर लेना है, बट इसको मोटा ही रखना है, एकदम पतला हम नहीं करेंगे। एक प्लेट ले लेंगे, इस पर हम खसखस डाल देंगे। तो पहले हम खसखस को फैला देंगे प्लेट में, फिर ड्राई फ्रूट जो हमने बचा कर रखे थे थोड़े वो डाल देंगे। अगर आप खसखस डालना नहीं चाह रहे हैं तो आप सफ़ेद तिल डाल सकते हैं या फिर बिना तिल और खसखस के भी बना सकते हैं। और अब इसके ऊपर इसको रख के हल्का सा दबा लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसमें लुक आ चुका है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ऊपर ड्राई फ्रूट और खसखस लगाने से। तो ये बेकिंग ट्रे ले ली है, इसको घी या फिर बटर से ग्रीस कर लेना है। मैंने घी से ग्रीस किया है, ऑयल से ग्रीस इसको नहीं करना है। और एक एक बनाकर इस पर रोट को रखते जाना है। तो एक दूसरा वाला भी मैं आपको इसी तरह से बनाकर बता रही हूँ। ये हम रवे के बना रहे हैं, ये गेहूं के आटे के और मैदे के भी बनाए जाते हैं, या फिर चने का आटा मिक्स करके भी इसको बनाया जाता है। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से थोड़े सॉफ्ट होते हैं। अगर आपको बिल्कुल सॉफ्ट केक जैसे बनाने हैं तो आप इसमें अंडे का यूज़ कर सकते हैं, अंडे डालकर भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए दूसरा वाला भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजी है इसको बनाना और बहुत ही आसान रेसिपी है। मुहर्रम में इसको स्पेशल बनाया जाता है, जिनके घर में ये बनता होगा उनको पता ही होगा। तो सारे हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। ओवन को मैंने 20 मिनट्स पहले प्री हीट कर लिया है 180 टेम्परेचर पर, और 180 टेम्परेचर पर ही हम इसको 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे अच्छी तरह से।
तो ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, ये बेक हो चुका है, बट ये अभी बहुत गर्म है, तो गर्म होने की वजह से ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, बट इसको ठंडा करेंगे पूरी तरह से तो ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये देखिए रोट हमारे सारे बनकर तैयार हो चुके हैं, पीछे साइड से भी आप देख सकते हैं अच्छे से बेक हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से हल्के से सॉफ्ट होते हैं ये। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए अंदर से भी बहुत ही परफेक्टली बेक हो चुके हैं, आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं, आप जब इसको बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं ये। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।